एवरीवन, वेलकम टू अमृता अमृता ऑफिशियल और मैं हूं अमृता। मेरे अटायर से आप जान ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति फेस्टिवल की। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और लेडीज के लिए भी एक इसमें एक स्पेशल फंक्शन होता है और उसे कहते हैं हल्दी कुमकुम का फंक्शन। इस फंक्शन में मैरिड लेडीज एंड गर्ल्स को इनवाइट किया जाता है होस्ट के घर में और फिर होस्ट उनको हल्दी कुमकुम देती है, कुछ गिफ्ट देती है, कुछ गेम्स होते हैं, बातचीत होती है, खाना पीना होता है। सो बेसिकली इट इज अ वेरी फन फंक्शन जिसमें सारे लेडीज एक जगह इकट्ठा होते हैं और उनके लिए एक अच्छा सा गेट टुगेदर होता है। सो ये फेस्टिवल काफी इम्पॉर्टेंट है महाराष्ट्रियन कल्चर में और इसे हम किस तरह से और अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और किस तरह से आपके गेस्ट के लिए इसे और मजेदार बना सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करें। तो सबसे पहले हम चार इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। फर्स्ट एस्पेक्ट है डेकोरेशन, जिसमें हम थीम के अकॉर्डिंग किस तरह डेकोरेट करेंगे वो देखेंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है अटायर का कि हम ड्रेस कोड क्या रखेंगे और लेडीज किस तरह से ड्रेस होके आ सकते हैं। थर्ड होगा फूड ऑप्शन, जिसमें आप इस हल्दी कुमकुम फंक्शन में क्या सर्व कर सकते हो इजीली क्विकली आप अकेले मैनेज कर पाओगे, ऐसे ही चीजें मैं आपको बताऊंगी। और फोर्थ चीज जो मैं आपको बताऊंगी वो ऑब्वियसली है गेम्स। सबसे पहले बात करते हैं डेकोरेशन की। अगर आप इस फंक्शन को घर पे सेलिब्रेट कर रहे हो या कोई मिनी हॉल लेके सेलिब्रेट कर रहे हो तो आप इसे किस तरह से डेकोरेट करते हैं। इस मौसम में आपको अच्छे अच्छे फूल मिल जाएंगे, कलरफुल फ्लावर्स मिल जाएंगे, रोजेस हैं, थोड़ा बहुत गेंदे के फूल हैं, इससे आप अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। साथ ही पतंग भी बहुत ही ज्यादा अवेलेबल होते हैं क्योंकि महाराष्ट्र के बगल वाली स्टेट है गुजरात और गुजरात में होता है उत्तरायण, तो उसमें पतंग उड़ाई जाती है, तो आप उसका भी यूज आपके डेकोर में कर सकते हो। आप एक वॉल को पूरी तरह से पतंगों से डेकोरेट कर सकते हो कुछ इस तरह से, जहां पे आपके जो गेस्ट है अगर वो चाहते हैं तो सेल्फीज ले सकते हैं। एंड एक फ्रेम बना सकते हो जो कम्प्लीटली फ्लावर्स से डेकोरेटेड होगा, सो दे कैन क्लिक अ फोटोग्राफ विद द फ्रेम ऑल्सो। सो एक अच्छा सा सेल्फी कॉर्नर या सेल्फी वॉल आप क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पतंग और फ्लावर्स के साथ। साथ ही साथ आप टेबल पे कैंडल्स रख सकते हो, काइट्स का सेंटर टेबल का डेकोरेशन कर सकते हो, जो तिलगुल के पैकेट्स होंगे उसके ऊपर भी आप छोटे काइट्स रख सकते हो। पतंगों के साथ हम कैंडल का भी डेकोरेशन कर सकते हैं। सेंटेड कैंडल्स और ब्रास के दिए बहुत ही सुंदर लगते हैं फॉर दिस डेकोरेशन। एंट्रेंस में आप एक रंगोली बना सकते हो स्टेटिंग द थीम ऑफ मकर संक्रांति, जिसे आप फ्लावर्स और रंगोली से डेकोरेट करोगे एंट्रेंस को। उसके बाद जो आपके गेस्ट को आप गिफ्ट दोगे उसको भी आप काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पैक कर सकते हो और काइट और फ्लावर्स का उसके ऊपर डेकोर रैप कर सकते हो। मकर संक्रांति फेस्टिवल के दिन स्पेशली ब्लैक पहना जाता है, जिस तरह से मैंने पहना है। सो ब्लैक एंड पर्ल कॉम्बिनेशन गोज वेरी वेल। सो आप आपके गेस्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ब्लैक और अटायर पहने और मे बी जो पर्ल ज्वेलरी अगर उनके पास है तो वो पहने, तो आप ब्लैक एंड पर्ल थीम रख सकते हो जिसमें आपके सारे गेस्ट कुछ इस तरह से ट्रेडिशनली ड्रेस करके आ सकते हैं इन साड़ीज और सूट विद इन अ ब्लैक कलर एंड मे बी सम पर्ल ज्वेलरी। अब बात करते हैं फूड की। आप क्या खाना अपने गेस्ट को सर्व करेंगे? कुछ आइडियाज मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ जो अकॉर्डिंग थीम होती है, बिकॉज इट इज अ महाराष्ट्रियन फंक्शन, हम जो फूड होगा वो भी कुछ महाराष्ट्रियन ही रखने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें हम जो फेमस साबूदाना खिचड़ी है वो रख सकते हैं, साबूदाना वड़ा रख सकते हैं, वड़ा पाव रख सकते हो, मिसल पाव रख सकते हो, पाव भाजी रख सकते हो, ढोकला रख सकते हो। सो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस जो आप आपके गेस्ट को सर्व कर सकते हो। ड्रिंक्स में आप जनरली जो ट्रेडिशनल ड्रिंक्स है वही सर्व करें, चाय कॉफी तो होती ही है, साथ में आप आम पन्ना सर्व कर सकते हो या फिर आजकल न्यू ट्रेंड के हिसाब से आप जूस एंड कोल्ड ड्रिंक्स भी सर्व कर सकते हो। स्वीट्स के लिए आप अगेन विल स्टिक टू द बेसिक,
आप फिरनी रख सकते हैं, जलेबीज रख सकते हैं, गुलाब जामुन, बेसिकली हम ऐसे स्नैक्स रख रहे हैं विच आर इजी टू ईट एंड विच विल बी वेरी मच फन. मैरिड लेडीज का फंक्शन है तो मेहंदी तो बनती है, तो गेस्ट जनरली एंजॉय दिस मेहंदी का जो रिचुअल है. सो आप एक मेहंदी काउंटर ऑर्गेनाइज कर सकते हो, साथ ही आप गेम्स भी जो आपके गेस्ट को खिला सकते हैं. जैसे कि कुछ गेम्स मैंने मेरे चैनल पे शेयर किए हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा. आपके लिए मैं फिर से उनको रिपीट कर देती हूँ. पहले आप एक बोल में जो वाइट शुगर के दाने आते हैं उनको और पर्ल्स को मिक्स कर लें, और एक सबको एक सुई धागा दे सकते हो आप, और उन बोल में से आप एक एक आपके जो गेस्ट है उनको बुलाओगे, 1 मिनट का टाइम दोगे, और 1 मिनट में उनको उन जो मोतियों को शक्कर के दानों में से छांटना है और एक 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 पिरोना है. सो जिसका सबसे लंबा स्ट्रिंग होगा वो आपका विनर होगा. वो एक गेम है. सेकेंड गेम है, जनरली बिकॉज इट इज़ अ मैरिड लेडीज़ का ये फंक्शन है तो आप चूड़ियों के साथ गेम खेल सकते हो, जहाँ पे आप एक बेलन ले सकते हो और आपके गेस्ट को उसको इस तरह से पीछे रखना है और आपको एक एक चूड़ी इस तरह से उनको उठा उठा के डालनी है. तो जो सबसे ज़्यादा चूड़ी 1 मिनट में बेलन के अंदर डाल लेगा इस तरह से पीछे से हाथ डाल के, वो विन कर जाएगा. साथ ही साथ आप मकर संक्रांति रिलेटेड डमशराज खेल सकते हो. ये सारे गेम्स जो है वो आपके गेस्ट काफ़ी एंजॉय करेंगे. कुछ में जो गेम्स हैं किटी पार्टी रिलेटेड वो मेरे चैनल पे आपको ज़रूर मिल जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. प्लीज़ आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा, आपको और आइडियाज़ गेम्स के लिए मिल जाएंगे. हल्दी कुमकुम में जनरली कुछ रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है गेस्ट को, तो आप जो ट्रेडिशनल बेसिक होते हैं जैसे हल्दी कुमकुम के पैकेट, बैंगल, सुहाग के बेसिकली जो आइटम्स होते हैं आप वो भी दे सकते हो, या फिर सिल्वर कॉइन हो गया या और कोई यूजफुल आइटम्स आप उन्हें दे सकते हो. इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप उसे व्रैप कैसे करोगे. आप उसको इस तरह से डेकोरेटिव वे में व्रैप कीजिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था आप पूरा पैकेट आपने अच्छे से व्रैप कर लिया, उसके ऊपर आप एक पतंग बना दो और आपके गेस्ट के नाम के हिसाब से उनके लिए एक पर्सनल गुड विश लिख के आप उनको वो दे सकते हो. आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा. ये इन टिप्स और ट्रिक्स को आप जरूर यूज कीजिएगा. विशिंग यू अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति. प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग अमृता अमृता ऑफिशियल. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.